वेलकम माई न्यू व्लॉग। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आई हूँ छत पे लेकिन नींबू वाला चाय। तो आप लोग देख सकते हो कि धूप उधर है लेकिन मेरे छत पे नहीं है और बाबू इधर पूरा सामान फैलाया हुआ है। तो मैं छत पे काफ़ी दिनों के बाद आई हुई, मुझे अच्छा लग रहा है। और बाबू यहाँ अपना कार लेकर आया है, मंगाया है फ्लिपकार्ट से कल का। तो जब से आई है कार तब से इसको लेकर कभी धोया जा रहा है, कभी सुखाया जा रहा है। हाँ बहुत अच्छा किया। तो बाबू यहाँ पे भी फैन ऑन कर दिया, फैन तो कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी फैन ऑन हो गया है। और यहाँ पे बाबू की जो कार पड़ी हुई है अभी, तो बाबू जो है अभी टहल रहा है और मैं बैठ के पीने वाली हूँ नींबू की चाय। तो मैं ब्लॉग आज इसलिए अभी स्टार्ट की हूँ, मत करो, इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि दोपहर में मैं सो गई थी, सर में दर्द था, थोड़ा आराम मिला है तो उठी हूँ। और उसके बाद नींबू का चाय बनाई हूँ, सीधे छत पे आई हूँ। बाकी ये चाय पी के गए हैं मार्केट और बाबू का भी चाय मैं देखिए ग्लास में लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं नीचे ही जाऊँगी सीधे, बस इतना समझ लेना। फिर मैं यहाँ पे रहने वाली नहीं हूँ, मैं छत पे इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि बाबू जो है ना बहुत अलग अलग तरह की खुरपातियाँ करता रहता है और फिर उसके बाद मैं परेशान हो जाती हूँ। अभी उन चला जाएगा उसमें तो भी पापा कैसे जोड़ेंगे उसको। और आकृति अभी नीचे सोई हुई है, मैं उसको बोली थी आने के लिए, नहीं आई, देखिए आ जाती है कि नहीं। तब तक मैं अपना नींबू का पी लूं चाय। आकृति इधर देखो किस पे आ रही हो, और चाय पी लो, चाय और चाय पी लो। आकृति आओ यार, तुम्हारा नहीं लाएंगे, कट कर। काफ़ी देर से छत पे बैठी हुई और यहाँ पे मेरा जो चाय था उसको भी फिनिश कर ली हूँ। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जब से मैं बैठी हूँ एकदम उमस ही है, हवा एकदम नहीं चल रहा है, लग रहा है मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और बाबू जो है पूरे छत पर जितना सामान है रूम में का, हम लोग का बगल में इधर स्टोर रूम है तो उसमें जितना भी सामान है सारा ला ला के बाहर फैला दिया है। अगर मैं नीचे नहीं जाऊंगी तो जो है सब फैला देगा। और बात मुझे और करनी थी कि कल मेरे फ्रेंड मेरे भांजी का बर्थडे था लेकिन मैं भूल गई। मैं क्या सोची कि 6 अगस्त को है, मतलब कल के लिए, लेकिन उसका बर्थडे कल था, 4 अगस्त को था, मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था और भूल गई। उसके लिए मैं सॉरी रौनक बोल रही हूँ फिर से क्योंकि मुझे नहीं पता था। और पता क्या मतलब कि हर साल मुझे 6 अगस्त था, 6 अगस्त हो गया था माइंड में कि 6 अगस्त को है लेकिन 4 अगस्त को रहता है, इसमें मेरी खुद गलती है। और कल एक बार फ़ोन भी आया था व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, उस टाइम पे नेट बंद था मुझे नहीं पता चला। लेकिन आज जब दीदी फ़ोन की, मम्मी को बोली है कि कल रौनक का बर्थडे था, कोई मेरे यहाँ से विश नहीं किया। मैं क्या, मेरे यहाँ से लगभग सारे लोग भूल चुके थे, कोई भी फ़ोन कॉल कोई नहीं किया है। तो इसके लिए सारे लोग सॉरी बोल रहे हैं, मैं भी सॉरी बोल रही हूँ। और भाई देखो रौनक भाई भी सॉरी बोल दिया, बोल दे दीदी को सॉरी, भाई भी सॉरी बोल दिया। जब आंसर तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहे हो, हाँ तो कचरा वाले तो हो ही, देख के ही लग रहा है। मार्केट में जाओगे, अगल बगल के जितने सामान उठा लोगे, घर पे रहोगे, जितने कील रहेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं और क्या था जी, पाइप रहता है वगैरह वगैरह सब उठा लोगे। तुम करना क्या चाहते हो ये तो बता दो। मिस्त्री बनोगे कि और कुछ करोगे? ये इंजीनियर बनेगा बड़ा होके, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहा है उसकी, है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ तब क्या, हाँ तुम ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बना पाओगे तब तक ना। अभी क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले इंजीनियर बना था, ट्रेन बना रहा था और अभी जस्ट जो है चूड़ियों की शॉप खोल लिया है तो यहाँ पे बेच रहा है चूड़ियाँ। और बाबू की जो सिस्टर है आकृति अभी गुस्सा है, बैठी मेरे बगल में, तो वो खरीदेगी बाबू से चूड़ियाँ। उसके साथ खेलोगी भी नहीं? देखो तुम्हारे साथ खेलेगी भी नहीं, कर रही है क्या कर रहे हो? ये जैसे लग रहा है कि मिठाई की दुकान पे मक्खियाँ बैठी है, उड़ाने के लिए कपड़ा रखे हो? अच्छा चूड़ियों को पोछने के लिए कपड़ा रखे हो, ये बात है। अब नीचे चला जाए दिवांश, तो शाम में तो खाना भी तो बनाना है। मैं सोच रही हूँ खाना थोड़ा जल्दी बना लूँ तो थोड़ा बड़ी मम्मी के घर पर हुआ हूँ, दिखा दो मुझे 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 मुझे, देखे 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 देखे, ये नया है ये देखे, हाँ ये तो नया है, सच में नया है। सब नया कलेक्शन है,
तो आपका कलेक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया है, मुझे सारी चूड़ियाँ पैक कर दो, सब देख लें। हाँ तो मैं सारी चूड़ी वही पैक कर रहे हैं, तो मुझे तो सारी पसंद आ रही हैं, पहले देख ले, चलो दिखा दो पहले। कल कल आई थी बाबू ये लिखा? हाँ कल के बाद, परसों आई थी, परसों शाम को एक कार आई थी, आज तक इसकी हालत देखिए क्या हो गई है, क्या कर दिया है इसका, ये ना पूजा किया हुआ है। तो यहाँ कंप्लान है, कंप्लान के साथ बाबू को मिला है ड्राइम बॉक्स फ्री, उस पर बना हुआ है, देखें बाबू। हाँ, ये है दिया तो है, इसके साथ फ्री बना हुआ है, और उसके बाद घर का कुछ सामान आया हुआ है, सब्जियाँ भी आ गई हैं। तो बाबू अपना गोटी रख रहा है ना, दिवाशु मजा आ रहा तुमको? हम लोग छत पर से आ गए आलू रखे उबाल होने के लिए, और कट की यहाँ पे प्याज, मुझे बनानी है आलू की सब्जी, और प्याज मेरे आँख में बहुत तेज लग रहा है। तो बाबू भी अपना ड्राइवर से पता नहीं कहाँ पे गया है, आकृति मुझे बगल में बैठी है, आकृति का मूड आज शाम से ही अपसेट है, तो आकृति आप लोग से भी नहीं मिलेगी पता नहीं क्यों। और घर पे बड़े वाले भैया जो हैं गए हुए दिल्ली, क्योंकि उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो दिल्ली गए हुए हैं दिखाने के लिए, और हम लोग हैं घर पे। तो मुझे जाना था बड़ी भाभी के यहाँ पे, तो पहले मैं सब्जी बना लूँगी, उसके बाद आटा गूंथूँगी, फिर थोड़ी देर के लिए जाऊँगी भाभी के यहाँ, आने के बाद हमारी बनेगी रोटी। और इस टाइम पर हो रहा है रात के, क्या टाइम हो रहा है, 8 बजने वाला है, 8:15 बजे हमारी सब्जी साथ बन जाएगा, क्योंकि आलू उबल गया है, उबल के मतलब थोड़ी देर उबल जाएगा, तो मैं सब्जी बना लूँगी इस बच्चों के भैया के घर पर। और आज देखिए फ्राक बनी है घर पर, तुम्हारा फ्राक काफ़ी सुंदर लग रहा है, थैंक यू बोलो मम्मी को, थैंक यू बोलो। चोट कैसी लगा, चोट दिखाओ, गौरा को चोट लगा घर पे दिखाने के लिए आई है, देखिए गौरा, ओ इतना बड़ा चोट लग गया गौरा के हाथ में, पढ़ाई की हो, क्या लिखी हो आज, पढ़ी हो? आकृति 15 अगस्त को पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके लिए सीख रही है यहाँ पे डांस, और गौरा भी छुप छुप के देख रही है, तो उसको भी बुला लेती हूँ अंदर, वो भी बहुत अच्छा डांस करती है अपने बुआ का देखकर, तो आकृति के साथ उसको भी हम करवाते हैं अभी थोड़ी देर में डांस। आ जाओ गौरा, आ जाओ बुआ के साथ, बुआ के साथ, बुआ के साथ, देखो गौरा अच्छे करते हैं बुआ, वाह वाह वाह। टमाटर है, तो फ्रेंड हमारी यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी बनी है, आलू थोड़ा ज़्यादा उबल गया था तो इसको मैं हटा दी हूँ, और गौरा के घर पे बना हो कुछ और सब्जी, गौरा नहीं खाती है तो उसके लिए ले जाएंगे सब्जी देने के लिए, तो चलो मैं चलती हूँ गौरा के यहाँ पे सब्जी दे के आती हूँ। और वो अपना कपड़ा मेरा बाहर से आकृति लग रहा था, पहले पूरा कटोरी चल रहा है, चल जाओगी क्या, चलो मैं चलती हूँ गौरा के यहाँ पे दे कर आती हूँ जल्दी से। बनाना है रोटी, मैं जा रही हूँ घर पे, तो हम दोनों लोग सब्जी दे आए भाभी के यहाँ, अब जा रहे हैं घर पे। फोन नहीं लग रहा है, जाओ जाके तुम बोल दो गली के पास से कि नमक भूल गए हैं, मैं नमक सब्जी में ऐड की थी बहुत थोड़ा सा प्याज गलने के लिए, क्योंकि मैं मसाले पीसी नहीं हूँ, सारे मसाले खड़े ही थे, वैसे ही ऐड करके मैं सब्जी को बनाई थी, तो मैं नमक ही भूल गई थी सब्जी में, तो मैं वही बोल रही हूँ मैं पूछती हूँ कि अपने भाभी से बोल कर आया कि सब्जी में नमक मैं भूल गई हूँ,
क्योंकि मैं फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन लग नहीं रहा है उनको। और मैं जा रही बनाने अपना रोटी, तो आटा थोड़ा एक्स्ट्रा गूंथी हूँ सुबह के लिए। सुबह इन लोग को बनाना है आलू का पराठा, तो हमारा आलू बचा उसी से बना लेंगे पराठे, इसलिए मैं आटा एक्स्ट्रा गूंथ के रख दूँगी। और सुबह में थोड़ा आटा को गीला कर दूँगी, इसलिए इतना टाइट रखते हैं आटा से आलू का पराठा नहीं बनता। तो चलो मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। तो चलिए कुछ काम की बात कर लिया जाए। कल क्या था, कल क्या था, तुम बोलो क्या करना चाहोगी। कल रहना दीदी का बर्थडे मिस कर दी, मिस। मैं रोटी जस्ट बना कर आई हूँ और मुझे नहाना है, तो थोड़ी देर बाद जाऊँगी नहाने के लिए। मम्मी खा रही है, अकृति खा लिए, बाकी बाबू मैं और तीन लोग बच गए खाने के लिए। और कल रौनक का बर्थडे हम सबसे मिस हो गया है, उसके लिए रौनक को हम लोग सॉरी बोल रहे फिर से। मैं तो जा रही हूँ रौनक को फ़ोन करने, करूँ हैं? 10 बजे नहीं बोला क्या करना है? आकृति का ड्राइंग बनाना है, आकृति बनाए मिला जाए तो हम लोग चल रहे हैं रौनक से थोड़ी देर बात करने के लिए, क्योंकि गलती तो किए सारे लोग। पहले आकृति के पापा रौनक को सॉरी बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगी, फिर आकृति बोलेगी, फिर बाबू बोलेगा। बाबू से तो छोटा है ना, तुम लास्ट बोलना रौनक दीदी सॉरी। तो हमारे यहाँ पर सारे लोग डिनर कर लिए हैं और आकृति का थोड़ा सा होमवर्क बाकी है ड्राइंग का, तो सुबह में कर लेगी। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई। टाइम कितना हुआ? 11 बजने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। आकृति का थोड़ा सा ड्राइंग का बच गया है होमवर्क, तो आकृति सुबह में उठ के कर लेगी। और इस ब्लॉग में मैं ये कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। क्यों अभी करना? नहीं, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के बना लेना। आकृति तो कर रही है अभी बनाने के लिए, पर मैं भी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बनाई तो रात काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर सुबह में नहीं उठ पाएगी ये। इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी सो जाओ, सुबह में जल्दी उठना बन जाएगा, बात बनो। तुम यहाँ हो और कहाँ हो? तो आकृति का होमवर्क जो है मैं सुबह करवाऊँगी, इस टाइम नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम करेगी तो मुझे पता है सुबह वो जल्दी नहीं उठेगी, और कल तुमको जल्दी सुबह उठ के जाना है स्कूल, मुझे पता है बात। तो इस ब्लॉक में कर रही हूँ पेंट, नेक्स्ट ब्लॉक में मैं आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड। करो 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 ना, आओ करो, चलो करो करो मिठाई चोरा।